तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको एक बहुत ही सुंदर जगह, लेकिन जो रास्ता है देखिए कितना मुश्किल है, कहाँ इतने पत्थर टूटे गिरे पड़े हैं रोड पर। लेकिन जब आप पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन में, क्या आराम, क्या फीलिंग, वाह क्या नजारा, क्या व्यू है, देखिए हरियाली हरियाली चारों तरफ और एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ। गुड़िया को भी बहुत अच्छा लगा व्यू, वाओ। लेकिन थक के हमारी हालत एकदम खराब, ठंड थी लेकिन चढ़ते चढ़ते फिर भी हमको पसीना आने लग गया। लेकिन इसी में ही तो मजा, यही तो एडवेंचर है लाइफ का। रास्ते में मुश्किलें बहुत आती लेकिन जब आपको अपनी मंजिल मिलती है तो उसका सुकून कुछ अलग ही होता है। ये रास्ता है ध्वज टेम्पल का, जयंती माता टेम्पल का, जो पिथौरागढ़ से लगभग 15 या 20 किलोमीटर के आसपास है। नैनीपातल गांव से हमने चढ़ाई शुरू करी। ये देखिए वहां पे गुफा है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, उस केव में हम एंटर कर रहे हैं। हजारों साल पुरानी मूर्ति थी शिव भगवान की, पंडित जी बैठे थे और थोड़ा आराम किया यहाँ पे। जब पहुंच गए ऊपर धूप से की, यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है। अभी मंदिर नहीं आया, थोड़ी और चढ़ाई बाकी है। कहते हैं मंदिर का जो द्वार है, जब यहाँ से कोई भी सीढ़ियाँ गिननी शुरू करता है तो कहते हैं कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। कभी नीचाई से ऊंचाई चढ़ने पर 120 सीढ़ियाँ आती हैं, फिर दोबारा नीचे से ऊपर चढ़ने पर 170 सीढ़ियाँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन गिना नहीं, कभी 90 सीढ़ियाँ, अलग अलग सबके रिजल्ट आते हैं अगर कोई भी काउंट करना चाहे तो। दोस्तों ये टॉप पे पहुंच चुके हैं मंदिर के, यहाँ पे अच्छी प्यारी प्यारी बेल्स हैं। रास्ता बहुत ही मुश्किल था, जैसे देखते हैं किस तरह थकान लगी साथ में, एक छोटी सी गुड़िया भी है। पहुंच के बहुत मजा आया, वहीं पे भंडारा था, भंडारे का बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। बहुत ही पीसफुल, तो कर रहा था यहीं पर रुक गया 2-3 दिन, लेकिन साथ में छोटी बच्ची होने की वजह से यहाँ पे नहीं रुक सके। तो उसके बाद प्लान किया कोई और डेस्टिनेशन लाइक हैडाखान। ये टाइम था सितंबर मंथ के आसपास का, लेकिन अगर आप कभी विंटर्स में आएंगे तो आपको यही माउंटेन पूरे बर्फ में ढके हुए मिलेंगे। देखिए इतनी सारी बर्फ, माना जाता है कि कभी आप कोई विश मांगते हो टेंपल में, अगर आपकी वो विश पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे गाइड चढ़ानी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं ऐसे वीडियोस और अच्छे अच्छे बनाता रहूँ और इम्प्रूव करता रहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।